हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ जिसमें बताऊंगा कि आज जो एक इंटरनेशनल प्लेयर ने संन्यास लिया उस प्लेयर का क्या नाम है। तो COVID-19 में BJ वॉटलिंग जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए हुए, इन्होंने अपना क्रिकेट करियर इंग्लैंड के खिलाफ चालू किया था और ये प्लेयर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं अभी, जो अभी अभी बहुत ज़्यादा चमके थे क्योंकि इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है। कोविड मतलब 2 साल से परेशान है कोविड के कारण सारी दुनिया, तो इन प्लेयरों की जो उम्र है वो 35 साल की है। इसके बारे में बोलता हूँ इन्होंने हासिल क्या क्या किया। तो ये एक विकेट कीपर के तौर पर आए थे न्यूजीलैंड की टीम में और साथ में ये एक अच्छे राइट हैंडर टाइम बैट्समैन भी थे, ज़्यादा करके इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं। तो चलिए गाइस, इनके कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बीजे वॉटलिंग जो July 9, 1985 में जन्मे थे, जो आज 35 साल के हो चुके हैं, ये डरबन साउथ अफ्रीका थे पर न्यूजीलैंड की तरफ से, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे पर यहाँ न्यूजीलैंड आके न्यूजीलैंड में क्रिकेट करियर इन्होंने चालू किया और यहाँ से अच्छे सक्सेस पाई इंटरनेशनल में। इन्होंने काफ़ी सारे न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड अंडर-19 वर्ल्ड कप, इनका पूरा नाम है बैटलिंग जॉन्स बैटलिंग, ये साउथ अफ्रीका में जन्मे थे 10 साल के जब ये हुए थे, तो इनकी फैमिली न्यूजीलैंड आ गई थी, तो इन्होंने यहाँ से करियर जो चालू किया है। तो इनकी बैटिंग करियर देख सकते हैं, तो आप 73 मैचेस खेले हैं टेस्ट मैच, जिनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने 3763 रन भी बनाए हुए हैं। और वहीं वनडे की बात करें ODI की, तो इन्होंने 28 मैच खेले हैं मात्र 25 इनिंग में 573 रन बनाए हुए, जहीं पे 5 T20 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, तो 4 मैच यहाँ पे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए वो। तो यहीं ये प्लेयरों ने अभी तक इस प्लेयर ने आठ सेंचुरी लगा चुका है बॉटलिंग ने और एक दोहरा शतक भी टेस्ट में, तो काफ़ी अच्छा शानदार करियर है। इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत करी थी पाकिस्तान के खिलाफ T20 में डेब्यू किया था इन्होंने 2009 में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और यही इनका जो ODI डेब्यू है वो हुआ था श्रीलंका में, और जो टेस्ट डेब्यू जो हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं बता दूं आपको, मैं अभी जो IPL का या वेन्यू चार्ट है उसको भी लेके आऊँगा और बताऊँगा ड्रीम इलेवन में आप कैसे फैंटास्टिक जो भी और फैंटास्टिक टीम है, अगर आपको वो अच्छी लगे आपको चलाते हैं तो वो भी मेरे पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे आप पैसे जी सकते हैं आराम से। बने बेट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेली मैचेस होते हैं। ड्रीम इलेवन में भी अभी बहुत सारे मैच आने वाले होंगे, जो T10 जो वेस्ट इंडीज में चालू होगा, न्यूजीलैंड में अभी ब्लास्ट चालू होने वाला है T20 ब्लास्ट, जो पांच जो सारे प्लेयर अभी खेलेंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं अभी डेविड वार्नर जो भी बड़े प्लेयर हैं इंडिया के छोड़ के, तो यहाँ पे इनमें कुछ चेंजेस किए गए रूल में। इन्होंने 5 ओवर पर प्लेयर 5 बॉल का ओवर रखा है हुआ, जहाँ पे 6 बॉल का ओवर रहता है। तो गाइस, अगर ये हमें नोटिफिकेशन अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि मेरे को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, जो मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।